हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग गाइस। आज हम वीडियो वॉच करेंगे, पठान भाई की एक वीडियो है और ये वीडियो है तुर्की ने पाकिस्तान का भेजा हुआ एड रिटर्न कर दिया। सो गाइस जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं कि तुर्की के लिए पाकिस्तान ने हेल्प के तौर पर जो है वो एड, जिसमें आपको मालूम है कि राशन वगैरह और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भेजा है और उसको वापसी वाकई में भेजा है, क्यों भेजा है वो आज के इस वीडियो में वॉच करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं दोस्तों। सो यस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। दुनिया में आपने बेइज्जतियां बहुत ज्यादा देखी होगी बेकारिस्तान की, लेकिन आज जो बेइज्जती हुई है हमारे पड़ोसियों की, भाई ऊपर वाला किसी को ऐसी बेइज्जती जिंदगी में ना दिखाए। दोस्तों यकीन करें, ये बेइज्जती इनकी हुई है तुर्की की तरफ से, लेकिन शर्म मेरे को आ रही है। आपको क्यों आ रही है? दोस्तों जो इन लोगों ने हेल्प किया है अभी तुर्की के साथ, जो इन लोगों ने एड भेजा था तुर्की, वहां पे जाके उसके अंदर से क्या निकला दोस्तों, चले हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं। आप वीडियो सुन लेंगे तो शर्म के मारे दोस्तों आप भी ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, इतनी शर्म की बात है दोस्तों, लेकिन ये लोग फिर भी जिंदा है। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्योंकि लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबोगरीब किस्म की खबर है। अच्छा। वहाँ सामान पहुँचाई है सिंध से शायद, और वहाँ सामान पहुँचा उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था वो पैकेट पैक करके भेज दिया। तुर्की ने जो पाकिस्तान को भेजा वो वापस उनको लिहाज करता है, ठीक है ना। ये वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को खबर दी है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने सुन ली, पाकिस्तान ने वो सामान वापस तुर्की भेजा है जो तुर्की ने सैलाब, जो पाकिस्तान में सैलाब आया था उन्होंने जो हेल्प की थी, जो एड भेजा था उन्होंने वापस वही पैक करके जो है उस पर अपना मोहर लगा के। वाकई में मुझे शर्म आ रही है। अभी जो अर्थक्वेक हुआ है तो जब वहां पर तुर्की में उन लोगों ने खोला देखा कि यार ये तो अपना ही सामान है उनका। देखें दोस्तों इसमें दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि दुनिया ने जो इनके साथ हेल्प किया था उन गरीबों के लिए, जो जिनके घर पानी में डूब गए थे, हमने पहले भी उस पर वीडियो बनाई थी कि उनको कुछ भी नहीं मिला। ये बात सच है। एक तो वो सामान उनको नहीं दिया गया, अभी तक पड़ा हुआ है, लोग भूख से मरे थे वहां पर, लेकिन इन लोगों ने वो सामान नहीं दिया। दूसरी शर्म की बात यह है कि जिस देश ने इनके साथ जो हेल्प की है इन्होंने वही हेल्प वापस उसी देश को अपना मोहर लगा के बेच दिया। भाई हालत देखो। अच्छा, दुनिया में हरामी देखे थे, इतने बड़े हरामी नहीं देखे थे भाई, बड़ा हरामी है भाई। भाई अजीब बात है यार, कैसे लोग हो भाई तुम लोग, कौन से चमड़ी के बने हो भाई, अरे कौन से मट्टी के बने हो, मट्टी के भी बने हो या फिर टट्टी के बने हो यार, अरे शर्म नाम की कोई चीज होती है भाई, कोई चीज होती है। तुम्हारी औकात यही है, इतनी गरीबी में अफगानिस्तान ने कैश हेल्प किया है तुर्की का, कैश पैसे भेजे हैं, किसी का लिया हुआ बीक फिर वापस किसी को बीक में नहीं दिया। भाई तुम लोगों को तुर्की ने सामान भेजा था कि तुम लोग वो जो सैलाब में जिसके घर डूबे थे कि उनको खिलाओ, तुम लोगों ने वो छुपा के जखीरा कर दिया था, अब जाके वापस तुम लोगों ने उसी को भेज दिया। ये बात तो वाकई में ही भाई अनबिलीवेबल, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये इतने नीचे औकात के लोग हैं, मुझे यकीन नहीं होता दोस्तों। मुझे यकीन करें कि भाई ये तुर्की के मीडिया पे भी ये बातें चल रही हैं, टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस इस पे आई है कि भाई इन्होंने, वो ये नहीं बोल रहे कि इन्होंने अब हमारा सामान हमें बेच दिया, वो बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने उन गरीबों को दिया क्यों नहीं ये सामान, ये अभी तक पड़ा क्यों है, क्योंकि रिपोर्टें तो ऐसी आ रही थी कि पाकिस्तान में लोग भूख से मर गए थे, वो गरीब जो सड़क पे बैठे हुए थे जिनके घर नहीं थे, लोग अमेरिका कहाँ कहाँ से आ रहे थे फोटो खिंचवा रहे थे, ये लोग मीडिया कवर कर रही थी कि भाई यहाँ पे इतनी गुर्बत है लोग। अभी कुछ महीने पहले भी इनकी एक रिपोर्ट आई थी कि उन लोगों को अभी तक जो है सब कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम लोगों को जो दुनिया हेल्प देती है वो तुम लोग हड़प लेते थे। तो भाई ये
ये लोग, ये जो आवाम है ना इनकी, ये इनकी आंखें खोल देना चाहता हूँ। अबे वो गरीब के बच्चों, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारी टाइट बजा के रखी है। गरीबो सालो, गरीबो, ये वो गरीब के बच्चों। अच्छा, उसके मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो शाहिद गरीब हो, एक बड़ा ऊपर से फेमस सरकार है तुम्हारी वो बोलता है, ये रहा है। गरीबो, तुम्हारे नाम पे लिया हुआ बीक तुम्हें नहीं दे रहा, वापस उस पे अपना मोड़ लगा के दुनिया के आगे नाम बढ़ा रहा है, और ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को इंडिया बात से। सही है। लानत है भाई, क्या शर्म की बात है दोस्तों, क्या शर्म की बात है भाई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और ये वीडियो जो है दोस्तों जरूर और जरूर सब तक पहुंचाना, मेजर साहब तक पहुंचाना, सब तक पहुंचाना ये वीडियो दोस्तों। कम से कम दोस्तों, कम से कम 1 लाख जो है 100K लाइक्स इस वीडियो को देना, ताकि पूरा हिंदुस्तान इस वीडियो को देखे, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लानतों की बारिश करें इनके ऊपर। लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। सो दोस्तों, यहीं पर वीडियो एंड होता है, और वीडियो बहुत ही अफसोसनाक है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि फ्लड आया था, और उस टाइम पर हेल्प किया गया था, तुर्की ने जो हेल्प की थी पाकिस्तान की, और वही जो है इन्होंने हरकत की है। और अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये जो फ्लड के लोगों के लिए जो तुर्की ने हेल्प किया, तो ये इस बात से, ये देखो कहते हैं झूठ छुपता नहीं है, सॉरी सच छुपता नहीं है, वही बात आज इस वीडियो में भी देखी कि जो भी चीजें थी वो आपके सामने आ गई हैं। किस तरह से सामने आई हैं आप खुद जान सकते हो, कि उन्होंने जो चीजें भेजी थी, जो सब कुछ भेजा, वही चीजें इन्होंने क्या की हैं, वो वापस तुर्की को अर्थक्वेक में भेज दी, और फ्लड को कितना टाइम हो चुका है। चीज मुझे तो अफसोस हो रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है, लिटरली मैं सुनकर हैरान हूं कि क्या इंसान जो होता है ना, कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है, और स्पेशली पॉलिटिक्स में आप बैठे हो तो आपको 100 बार सोचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसको मीडिया कवर करेगी, तो आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तुर्की का लेबल लगा हुआ है और आप उनको ही वो चीजें वापस भेज रहे हो जो उन्होंने भेजी है। कितना अफसोस होता है, कितना बुरा फील होता है ना, जब आप किसी को उसकी दी हुई चीज आप वापस रिटर्न में दे देते हो, तो कितना अजीब। इससे तो अच्छा यार आप उनको देते ही नहीं, आप उनकी हेल्प ही नहीं करते। तो ये तो समझ आ रहा है कि कितने मतलब के अच्छे वाले ये लोग सिस्टम है इनका, और ये यही वजह है आज हम लोग इतना ज्यादा डाउन हो चुके हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि यहां से पता चलता है कि तुर्की के लोगों को कुछ तुर्की के लोगों को जो भेजा गया है, इसका मतलब सिंपल है कि पाकिस्तान में जो फ्लड के जो लोग थे गरीब, उन लोगों की नहीं, उनको दिया ही नहीं गया, उन तक ये गया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी जितना कुछ आया, जितना कुछ भी आया है, वो कुछ भी नहीं उन तक पहुंचा। सो इससे बड़ी क्या अफसोस की बात होगी कि आपको वो सब कुछ जो देना चाहिए था वो आप नहीं दे सके। सो बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात पर, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, ये जब ऐसे इतनी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, और तो फिर जाहिर सी बात है, फिर एक्सपेक्टेशंस तो सामने ही है कि फिर ये जो डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ, तो उसके पीछे क्या क्या मामला है। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, और ये है कि सिर्फ ये एक ही कंट्री का अभी आया है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज होंगी ऐसी जिन्होंने दिया होगा लेकिन वो भी उन तक नहीं पहुंचा होगा, वो भी स्टोर करके रखा हुआ होगा, वो भी स्टोर करके रखा होगा, तो यहां पर वो उनको मिले ही नहीं। तो हम इस बात पे, सर्दियां गुजर गई हैं, बहुत ज्यादा सर्दियां भी गुजर गई हैं, और पता नहीं बेचारों ने कैसे जिंदगी गुजारी है, रातें कैसे गुजारी है, बट उन तक कुछ नहीं पहुंचा। तो सच कहूं तो ये सिंध की बात कही है ना, तो सिंध में तो स्पेशली ऐसी चीजें बहुत सारी आपको फेस करनी पड़ेंगी, बहुत ही दुख हो रहा है सीरियसली। खैर गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लास्ट में यही कहूंगी, बड़ा ही अफसोस हो रहा है, लिटरली शर्मिंदा कर दिया पूरी दुनिया के सामने इन लोगों ने।